नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज का जो टॉपिक विद्यार्थी मित्रों वो पिछले वाला जो टॉपिक था विद्यार्थी मित्रों पार्ट नंबर 7। अभी आज मैं आपको स्केलर और वेक्टर के जो पार्ट नंबर 8 है विद्यार्थी मित्रों वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों पार्ट नंबर 7 में आपने मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो टॉपिक था विद्यार्थी मित्रों वो क्लियर हुआ था। मतलब उसमें क्या किया था आपने, मतलब देखिए उसमें जो किया था वो कॉस थीटा साइन थीटा एज वेल एज आर एक्स मतलब रिजल्टेंट निकाला था। रिजल्टेंट कैसे निकाला था विद्यार्थी मित्रों, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बराबर विद्यार्थी मित्रों फॉर टू डायमेंशनल। इसमें क्या किया था विद्यार्थी मित्रों, एक डायग्राम लिया था। फॉर एग्जाम्पल वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो आई जे के कैप आई कैप जे कैप का जो डायग्राम था विद्यार्थी मित्रों वो डायग्राम का यूज करके ये जो रिजल्ट है वो निकाला था। तो कैसे निकाला था मैं आपको बताता हूँ, सिंपल वाला। जैसे कि एक्स और वाई कंपोनेंट है, इसमें है ये जो टर्म विद्यार्थी मित्रों वो रिजल्टन आर एक्स आई कैप विद्यार्थी मित्रों और ये आर वाई कैप विद्यार्थी मित्रों, मतलब उसमें जो क्या कहते हैं उसको कंपोनेंट ऑफ आर एक्स और कंपोनेंट ऑफ आर वाई, इसमें जो रिजल्टन है वो आर था विद्यार्थी मित्रों और आर की वैल्यू थी अभी हंड्रेड ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। वैसे सिमिलर टू फॉर थ्री डायमेंशनल भी होता है विद्यार्थी मित्रों, मतलब कैसे की सिमिलर टू थ्री डायमेंशनल, कैसे जो थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट है विद्यार्थी मित्रों वो क्या है थ्री डायमेंशनली कैसे प्रूव करते हैं। देखिए अभी ये देखिए आज का ये टॉपिक नहीं है विद्यार्थी मित्रों, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, अभी जो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा। देखिए अभी मतलब दैट इज थ्री डायमेंशनल विद्यार्थी मित्रों, ही टर्म थ्री डायमेंशनल, इसका जो रिजल्टेंट है वो जैसे पिरामिडिक लाइक शेप है विद्यार्थी मित्रों उसे कहते हैं, जैसे कि पिरामिडिक लाइक शेप में इसको कैसे अभी मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट एक पॉइंट है इधर से उधर से और मतलब ये ऐसा एक मिनट ऐसा निकलेगा विद्यार्थी मित्रों और इसमें इसका टर्म ऐसा और इसका ऐसा ऐसा जो टर्म है विद्यार्थी मित्रों ऐसी जो डायग्राम आती है दैट इज कॉल्ड उसे कहते हैं पीरियोडिक डायग्राम। वो जो टर्म है टर्म दैट इज पीरियोडिक और उसमें जो रिजल्टेंट है वो कैसे, जैसे कि टू डायमेंशन में क्या था आई कैप आर एक्स प्लस जे कैप आर वाई, उसमें आप थ्री डायमेंशन है टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन क्या होगा आई आर एक्स प्लस जे आर वाई प्लस के आर जेड बराबर विद्यार्थी मित्रों। और इसका रिजल्टेंट क्या आया था, मतलब यही जो है वेक्टर है वेक्टर रिजल्टेंट क्या आया था, इसका रिजल्टेंट अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस प्लस आर जेड स्क्वायर, ऐसा उसमें आया था विद्यार्थी मित्रों। एज वेल एज उसमें ये जो थ्री डायमेंशनल है इसका यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करता है, कार्टेशियन सिलेंड्रिकल में यूज करता है, जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी यूज करता है। अभी आप देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है विद्यार्थी मित्रों, मैं वो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है। अभी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या रहता है मित्रों, जो मतलब दो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, मतलब टू क्वांटिटीज हैविंग इट्स प्रोडक्ट दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑलवेज बी वेक्टर। मतलब जो टू क्वांटिटीज लाइक एक स्केलर है और अनदर क्वांटिटी इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज having its product that is called a vector quantity, product in between two quantities, product between two quantities मतलब two quantities कौन सी quantities हो, scalar as well as vector और vector as well as scalar, टू क्वांटिटीज लाइक
स्केलर एज वेल एज वेक्टर. प्रोडक्ट इन बिटवीन टू क्वांटिटीज लाइक स्केलर एज वेल एज वेक्टर हैविंग इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इन बिटवीन. प्रोडक्ट ऑफ इन बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट इज कॉल्ड वेक्टर. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. मतलब क्या है कि दो क्वांटिटीज ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो दो क्वांटिटीज है एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड वेक्टर होगा. मतलब जैसे कि अभी एक कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या विद्यार्थी मित्रों, न्यूटन सेकंड लॉ है कि जो बॉडी है उसे मोमेंटम मतलब वो बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स दिया तो वो बॉडी क्या करती है मूवमेंट करती है. मतलब सपोज ये पेन है और पेन को मैंने ऐसा मूव करा मतलब ऐसा पुश किया तो बॉडी क्या करेगी वो अगले डायरेक्शन में जाएगा. मतलब वो अगला डायरेक्शन मतलब अगला डायरेक्शन में जाएगा जैसे कि वो नॉर्थ में जाएगा तो साउथ में जाएगा कुछ भी वैसे ही वो क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड अभी फोर्स. मतलब न्यूटन सेकंड लॉ क्या है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बराबर जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब देखिए विद्यार्थी मित्रों जो मास है मास इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी. देखिए मास इज अ स्केलर और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर. मतलब कि फोर्स मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन मास जो है वो स्केलर है और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी और उनमें जो प्रोडक्ट डेवलप होता है विद्यार्थी मित्रों मतलब मास और एक्सेलरेशन मतलब ये मास और एक्सेलरेशन उनका जो प्रोडक्ट डेवलप होगा वो दैट इज कॉल्ड फोर्स होगा. और फोर्स जो रहता है विद्यार्थी मित्रों वो क्या है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट इन बिटवीन टू क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज कौन सी होगी स्केलर होगी और एज वेल एज वेक्टर होगी. कौन सी क्वांटिटी होगी विद्यार्थी मित्रों उनमें जो मतलब उनमें जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा वेक्टर ही होगा. मतलब देखिए अभी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड अभी फोर्स जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. प्रोडक्ट ऑफ बराबर विद्यार्थी मित्रों मतलब क्या कि ये जो प्रोडक्ट है वो इट इज अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी और इसका मतलब जनरल डेफिनेशन जो है फोर्स इज द प्रोडक्ट इन बिटवीन मास इनटू एक्सेलरेशन एज वेल एज न्यूटन सेकंड लॉ से क्या कह सकते कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कॉल्ड एज फोर्स. और फोर्स कॉल्ड एज भी फोर्स इक्वल्स टू डीपी ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं. फोर्स जो है डीपी ऑफ क्वांटिटी मतलब पी इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी. मतलब जो फॉर्मूला है वो ऐसे भी डेवलप कर सकते बट वो अलग वाला टॉपिक विद्यार्थी मित्रों वो मैं अभी नहीं पढ़ा सकता. मतलब जिसमें जो टॉपिक है वही पढ़ा सकता हूँ पर जनरल भाषा में कह सकता हूँ कि वो जो फोर्स है वो फोर्स जो है विद्यार्थी मित्रों वो फोर्स जो है वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन बिटवीन टू वेक्टर. और अगला जो टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों मतलब इसमें जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के मतलब जो कहते हैं ना मतलब इसका और एक एग्जांपल है वर्क. वर्क जो है वर्क मतलब जैसे कि वर्क जो क्वांटिटी हो स्केलर क्वांटिटी बट उनका जो प्रोडक्ट है उनमें प्रोडक्ट इन बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलग भी वो क्वांटिटी क्या है मतलब वो क्वांटिटी वर्क जो है वो क्वांटिटी सिर्फ
वर्क इज नथिंग बट उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट विद्यार्थ मित्रों ऊपर वर्क वो मतलब वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। अभी देखिए वो कैसे, वर्क टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो विद्यार्थ मित्र डॉट प्रोडक्ट है, अभी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, उसे भी कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। अभी वो मैं उसका अभी डेफिनेशन मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है वो देखिए कैसे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब क्या कि प्रोडक्ट इन बिटवीन टू वेक्टर्स लाइक वेक्टर पी एंड वेक्टर पी क्यू आर एल बी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट इन बिटवीन टू प्रोडक्ट इन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच प्रोडक्ट एज वेल एज कोसाइन थीटा जो है उनमें प्रोडक्ट किया जाता है। मतलब देखिए अभी प्रोडक्ट इन बिटवीन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स एंड कोसाइन एंगल बिटवीन, कोसाइन एंगल ऑफ इन बिटवीन, कोसाइन एंगल इन बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब क्या कि ऐसा मान लीजिए कि टू वेक्टर्स लाइक दिस फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू टू वेक्टर्स लाइक वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू बोथ आर वेक्टर्स एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट अलग भी डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज बी क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज बी कॉल्ड इज कॉल्ड इज ऑलवेज बी कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, बट हो टर्म ऑफ दे अभी मतलब नहीं लेना। अगला वाला जो पार्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट का विकल्प होगा विद्यार्थी मित्रों, बट अभी स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मैं पढ़ाना हूं। मतलब देखिए अभी क्या कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लाइक पी एंड क्यू बोथ वेक्टर वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू आर ऑलवेज बी स्केलर प्रोडक्ट, और इसे क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि वेक्टर पी जो है वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इसमें क्या है डॉट प्रोडक्ट इन बिटवीन टू प्रोडक्ट ऑलवेज बी, मतलब देखिए अभी मॉड ऑफ क्यू मॉड क्यू कॉस ऑफ थीटा, मतलब क्या है कि दिस इज द वीआईपी फॉर्मूला, वीआईपी फॉर्मूला इसे क्या कहते हैं वीआईपी फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इज द प्रोडक्ट इन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब क्या है कि ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का उसमें नंबर और इसका प्रोडक्ट कॉस ऑफ थीटा मॉड पी मॉड क्यू, मतलब जो है मॉड पी एंड मॉड क्यू ऑलवेज बी मॉड पी एंड मॉड क्यू आर ऑलवेज बी आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स लाइक पी एंड लाइक लाइक पी एंड क्यू। और अभी देखिए विद्यार्थी मित्रों मतलब क्या कि ये तो मैंने सारा थ्योरेटिकल वर्क बता दिया, अभी एक्सपेरिमेंटल वर्क देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वर्क और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है विद्यार्थी मित्रों इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से वो मैं
आज आपको बताता हूँ विद्यार्थी मित्रों कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। विद्यार्थी मित्रों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें मतलब क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जो प्रॉपर्टीज होते हैं विद्यार्थी मित्रों मतलब क्या है कि अभी इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू उसके रुकड़ो कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रॉप मतलब मैं जनरल मतलब मैं आपको जनरल बताता हूँ कि उसमें क्या क्या ले सकते मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है मतलब वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू इक्वल वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर क्यू इंटू वेक्टर पी दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ क्या है वेक्टर पी मोड ऑफ क्यू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू पी वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी इंटू वेक्टर आर ये हुआ कम्युलेटिव लॉ। अभी कंपोनेंट जो विद्यार्थी मित्रों मतलब एक डायग्राम निकालूंगा उस डायग्राम में मतलब ऐसा डायग्राम में देखिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है विद्यार्थी मित्रों द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मतलब क्या है कि उसमें जो जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर मतलब डायग्राम के जैसे प्रूव कर सकते। देखिए अभी डायग्राम क्या है वेक्टर क्यू हो वेक्टर पी इसमें हो वेक्टर पी वेक्टर क्यू और ये मतलब देखिए पी कॉस थीटा इतने हैं और इसमें हो क्यू कॉस ऑफ थीटा इतना ही। देखिए विद्यार्थी मित्रों मतलब कि देखिए वेक्टर पी मतलब कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू मैं ऐसा करता हूं वेक्टर पी क्यू कॉस ऑफ थीटा ऐसा लिखता हूं मतलब कि पी क्यू कॉस थीटा इसमें क्या है कि पी जो कॉमन है वो कंपोनेंट ऑफ क्यू कंपोनेंट ऑफ क्यू कंपोनेंट ऑफ क्यू इन डायरेक्शन वेक्टर क्यू इन डायरेक्शन ऑफ मतलब वेक्टर पी इंटू क्यू ऐसा है विद्यार्थी मित्रों मतलब कि क्या है ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि देखिए अभी मैं आपको दो पेन लेके बताता हूँ दो पेन मतलब है देखिए अभी है एक वेक्टर है और है दूसरा वेक्टर मैं क्या करता हूँ कि वेक्टर पी जो है इसे ऐसा घुमाता हूँ मतलब हे कॉन्फिडेंस और हे चेंज हो रहा है मतलब कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू वेक्टर क्यू जो है वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी से डायरेक्ट मतलब कि इसका कंपोनेंट डेवलप हो रहा है इससे वेक्टर पी से वैसे मैं क्या करता हूँ कॉन्स्टेंट होता वही चेंज करता हूँ वैसे ही फॉर्मूला है विद्यार्थी मित्रों वेक्टर पी वेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्यू इन डायरेक्शन ऑफ पी और अगला वाला क्या है कि क्यू इंटू पी इज इक्वल टू क्यू कॉमन है विद्यार्थी मित्रों मतलब पी कॉस ऑफ थीटा मतलब क्यू इसमें क्या आएगा कंपोनेंट ऑफ पी कंपोनेंट ऑफ पी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू ऐसा इसमें दैट इज क्यू डॉट पी और पी डॉट क्यू बोथ आर आइडेंटिकली सेम है। अभी मतलब कि अभी देखिए ये वो फर्स्ट प्रॉपर्टी दूसरा जो प्रॉपर्टी है द स्केलर ऑफ टू वेक्टर इज ओबेस कम्युलेटिव लॉ मतलब कि क्या कि दो वेक्टर जो है वो कम्युलेटिव लॉ वेरीफाई करते जाते हैं। तो मतलब कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू मतलब कि क्या कि वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर क्यू ऐसा जिसे कहते हैं कम्युलेटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या विद्यार्थी मित्रों मैं अभी आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी वो प्रूव करते हैं मतलब सेकंड हुआ। अभी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली
स्केलर प्रोडक्ट थर्ड वाला द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. मतलब कि क्या वेक्टर पी वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी इंटू आर ये हुआ विद्यार्थी मित्रों वेक्टर पी और इसमें क्यू प्लस आर जो विद्यार्थी मित्रों इनका प्रोडक्ट है और जो डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा है उसमें एडिशन वाला जो प्रॉपर्टी वो वेरीफाई करता है मतलब पी डॉट क्यू प्लस पी डॉट आर. नेक्स्ट वाला जो विद्यार्थी मित्रों इसमें स्पेशल केसेस है जो अभी मैं आपको बताता हूं. देखिए विद्यार्थी मित्रों स्पेशल केसेस क्या है. द स्केलर प्रोडक्ट फोर्थ नंबर द स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर वेक्टर पी वेक्टर क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा बराबर. मतलब अभी ऐसे कर सकते कि देखिए दो वेक्टर है वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इसमें स्पेशल केसेस है. देखिए कैसे मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री मतलब कि क्या थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री है मतलब कि जो वेक्टर दो वेक्टर है मतलब वेक्टर पी ऐसा है और इसमें है वेक्टर पी है सॉरी वेक्टर क्यू और वेक्टर पी. अभी क्या करता हूं इसमें थीटा वैल्यू है जो थीटा है मैंने डायग्राम निकाली जो डायग्राम थी क्या देख रहा हूं ऐसी डायग्राम वेक्टर पी वाली और वेक्टर क्यू वाली बराबर इसमें हो थीटा है. अभी क्या करता हूं दो वेक्टर है मतलब जिसमें थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री नॉट नाइनटी नाइनटी वाला आगे वाला है जीरो है जीरो तो वेक्टर पी वेक्टर क्यू क्या आएगा पी क्यू बराबर विद्यार्थी मित्रों. मतलब कि क्या टू वेक्टर्स आर पैरेलल मतलब दो इसमें क्या आएगा टू वेक्टर्स आर पैरेलल मतलब कि क्या वेक्टर पी और वेक्टर क्यू बोथ आर पैरेलल और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट मतलब इसमें जो साइन है वो पॉजिटिव है इसलिए वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. आगे वाला जो टर्म है विद्यार्थी मित्रों मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू फर्स्ट केस है सेकंड केस क्या है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बराबर. अभी थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी विद्यार्थी मित्रों तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू में क्या होगा एंगल डेवलप होगा ओके से ऐसे वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इसमें ऐसा डेवलप होगा तो वेक्टर पी वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू कॉस ऑफ 90 डिग्री बराबर. कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है मित्रों जीरो कॉस ऑफ 90 आदत भी जीरो मतलब वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू आदत भी जीरो मतलब कि क्या कि बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोथ टू वेक्टर बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्रों बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अगला वाला जो फॉर्मूला है विद्यार्थी मित्रों अगला वाला जो फॉर्मूला है वो मैं आज आपको बताता हूं कि वो अगला वाला इस तरह जो फॉर्मूला है मतलब कि अभी 90 की हुई अभी 90 के बदले अभी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं थीटा मतलब थर्ड वाला जो टर्म विद्यार्थी मित्रों एक मीटर लास्ट विद्यार्थी मित्रों अभी थर्ड वाला जो विद्यार्थी मित्रों वो थर्ड वाला क्या है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं मतलब थीटा की जो वैल्यू विद्यार्थी मित्रों 180 डिग्री कैसे अभी वेक्टर पी वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू कॉस ऑफ 180 डिग्री मतलब क्या कॉस 180 क्या होती है मित्रों माइनस वन कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस वन. अभी वेक्टर पी वेक्टर क्यू इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी इंटू क्यू दैट इज मतलब कि दो वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल
टू वेक्टर्स मतलब टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर आपको मतलब मतलब एक वेक्टर और एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है, मतलब एक वेक्टर राइट हैंड साइड के और एक वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जा रहा है विद्यार्थी मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थी मित्रों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए विद्यार्थी मित्रों। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।